तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोगों ने अभी पढ़ा था, उसी का एजाद एप्लीकेशन और कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए चीजें अच्छे तरीके से। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखिए। थ्री पॉइंट चार्जेज, थ्री पॉइंट चार्जेज, ऑब्वियस है कूलाम लॉ लगेगा, सब पॉइंट चार्जेज ही होंगे, ऑफ प्लस टू माइक्रो कूलाम, माइनस थ्री माइक्रो कूलाम एंड तीसरा भी माइनस थ्री माइक्रो कूलाम आर केप्ट एट द वर्टिसेज एबीसी, केप्ट एट द वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल, ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। चीजें आसान है, इक्विलेटरल बना दिया गया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, साइड 20 सेंटीमीटर एसओ, जैसा चीज दिखाई दे। तो डायग्राम दिया है बुक में, मैं उसको अभी बना रहा हूं साइड में। डायग्राम थोड़ा सा फिर वही ऐसा बने चाहिए, डायग्राम बाद में भी हमने बनाना है ये है। तो फिर मुझे यहाँ को बनाना पड़ेगा, इसलिए ये डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ मैं इसको ओरिजिन मान लूंगा। तो मेरे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसको बाद में एक्स वाई तो अभी नहीं मानना है, बाद में मान लेंगे। तो इन पर रखा हुआ है, ए पर 2 माइक्रो कूलाम है प्लस टू, बी पर -3 माइक्रो कूलाम है और सी पर भी -3 माइक्रो कूलाम, ठीक है। और साइड 20 सेंटीमीटर दे रख रहे हैं, तो हम ए मान लेंगे, बाद में ए की वैल्यू बाद में रख लेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से यहां से लिखिएगा। व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्निट्यूड, व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्निट्यूड ऑफ अ चार्ज, ऑफ एक और चार्ज आ रहा है, अब वो कैसा हो रहा, उसका अमाउंट कितना हो रहा, वो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा। साइन का मतलब ये है, व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज टू बी प्लेस्ड, कहाँ रखा जाना है वो ये बता रहे हैं आप, टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट एम, एट द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड बी सी, सो दैट द चार्ज एट ए, द चार्ज एट ए कैपिटल ए रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ये आपका सीबीएसई के 12वीं की परीक्षा में, ऑल इंडिया सीबीएसई जो हम का है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, पिछला भी आया हुआ ही था 12वीं। तो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर बीसी के मिड पॉइंट पर एक है एम, मान लेते हैं, और उस एम पर चार्ज कितना होगा और कैसा चार्ज होगा। ठीक, टोटल फोर्स ऑन ए, जो ए पर चार्ज है उस पर 0 हो, यही हो रहा है। क्लियर है क्या पूछा गया है?
यस सर। तो पहले तो सबके आपको निकलिए बी के रिस्पेक्ट में, बी टू ओरिजिन मान लेते हैं। लेट अस टेक बी एज ओरिजिन एंड बी सी एज इट्स एक्सिस। अगर ऐसा ले लिया आपने तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों, तो ये एंगल कितना होगा? 60 सिक्सटी डिग्री। पाई बाय थ्री मान में जानते हो 60 डिग्री है, एटी बात है, ओके। पाई 180 डिग्री। ठीक हो गया। तो देखिए प्लीज, अब आप सारे वेक्टर निकाल सकते हो। लेट ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, वो बाद में रखेंगे, साइड को ए की फॉर्म में ही रखेंगे हम अभी। तो ए साइड है ना, तो बी सी वेक्टर कितना होगा? ए आई बी सी, यस साइड ए है और यूनिट वेक्टर ये है। अच्छा बच्चों बताओ बी एम कितना होगा? ए बाई टू इंटू आई। क्लियर होगा नहीं? हाँ सर। यस सर। अच्छा यार एक बार बताइए, ट्रिग्नोमेट्री की भी हेल्प ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी एम, मुझे ए बी चाहिए ना सीधे, ए की पोजीशन वेक्टर के लिए। क्रॉस पाई बाय थ्री कितना होगा बच्चों? क्रॉस 60, मतलब क्रॉस 60 कितना होता है भाई? और क्रॉस थीटा कितना होता है राइट एंगल ट्राइंगल में? बी एम अपॉन ए बी। यस सर। तो ए बी क्या होगा? नहीं मुझे साइन चाहिए था। ए बी तो पता ही है, सॉरी ए बी क्या निकालना, तो साइड ए ही है। साइन पाई बाय थ्री कितना होगा? रूट 3/2 ए एम अपॉन ए बी। तो यहां से √3/2 ए एम नहीं पता है बच्चों हमको, और ए बी पता है स्मॉल ए के बराबर। ए एम दूरी आप निकाल सकते हो, कितनी आ गई? ए √3/2। वैसे आप ए बी एम में पाइथागोरस लगा लेते तब भी आएगा भाई। ए बी पता है आपको, ए है, बी एम पता है ए बाई टू है पाइथागोरस से, तो तीसरा अपने आप ही आया था, वहां से भी आपको यही आया था। तो अब अगर नाउ वेक्टर बी ए निकालूं बच्चों, वेक्टर बी ए तो क्या होगा? बी एम पहले आप आई के साथ चलोगे, फिर एम ए जे जे साथ चलोगे, तभी तो पहुंचोगे। बी से ए तक कैसे पहुंचोगे? वेक्टर के हिसाब से चलो, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट में, फिर वाई कोऑर्डिनेट में। बी एम कितना है मैग्नीट्यूड में? ए बाई टू आई एक्स चलो, प्लस एम से ए तक ए √3/2 है जे के साथ। भाई ए से एम तक की दूरी कितनी है? सर ये √3 हाँ वो अलोंग वाई एक्सिस है, तो आप ये पहुंच गए। अब ठीक है, सर। सी का पोजीशन वेक्टर पता है आपको, ए का पोजीशन वेक्टर भी पता है। बी ए क्या है? बी के रिस्पेक्ट, बी तो ओरिजिन मान लेना आप, तो आप सी ए निकाल सकते हैं यहां से।
सी ए क्या होगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, ए का पोजिशन वेक्टर यही जो बी के रिस्पेक्ट में अभी लिखा आपने, ये कौन सा ए बाय टू आई प्लस ए रूट थ्री बाय टू जी माइनस सी का पोजिशन वेक्टर कितना है भाई, बी के रिस्पेक्ट में सोचो, बी ओरिजिन है मतलब बी सी पर लिखा है आपने, या सोचो आप देख के बी सी जितना हो रहा है सी का पोजिशन वेक्टर, तो माइनस ए बाय टू आई प्लस ए रूट थ्री बाय टू सी। इतना क्लियर है? यस सर। अच्छा नाउ बच्चों बताइए नेट फोर्स ऑन है, नेट फोर्स ऑन ए कितना, एफ बी ए वेक्टर के साथ प्लस एफ एम ए प्लस एफ सी ए, और दैट मस्ट बी जीरो वेक्टर, क्यों होना चाहिए जीरो हमें पता ही नहीं है क्यू कितना है, बाद में रख लेंगे, तो डायग्राम में भी मैंने एम पे बना लिया, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा चलिए बताइए प्लीज, एफ बी ए वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट तो सभी में रहना है वो छोड़ दीजिए, बी पर चार्ज माइनस थ्री माइक्रो कूलम इनटू प्लस टू माइक्रो कूलम अपॉन ए स्क्वायर लिखो यार, ए ट्वेंटी बाद में रखें, और डायरेक्शन क्या होगी, यूनिट वेक्टर बी ए प्लस एम ए के बारे में सोचिए, क्यू इंटू टू माइक्रो कूलम अपॉन एम ए से एम तक की दूरी याद है, ये देखो ये इधर प्लीज सर रूट थ्री बाई टू, ये ए रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर एम ए प्लस, अब सी से ए में सोचिएगा तो माइनस थ्री माइक्रो कूलम इंटू प्लस टू माइक्रो कूलम, सी और ए इक्विलेटरल ट्रायंगल तो साइड ए ही रहेगी, ए स्क्वायर वेक्टर यूनिट वेक्टर सी ए इक्वल टू जीरो वेक्टर, क्या मैं इतना समझा पाया हूं? यस सर। यस सर। चलो ठीक, तो भाई अब वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट तो छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स माइक्रो कूलम का मतलब टेन की पावर कितना, माइनस सिक्स मिली माइनस थ्री हुआ, माइक्रो माइनस सिक्स होगा, तो यहां भी टेन की पावर माइनस सिक्स, यहां भी टेन की पावर माइनस सिक्स, तो कितना आ जाएगा टेन की पावर माइनस 12 अपॉन ए स्क्वायर, और बी ए यूनिट वेक्टर कितना होगा बच्चों, बी से ए तक यूनिट वेक्टर, बी ए वेक्टर निकाला है हमने, ये देखिएगा ये है, ये बी ए है नहीं,
इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, खाली बी ए करेंगे तो कितना आएगा जरा देखिए प्लीज, अंडर रूट ए स्क्वायर बाई फोर प्लस थ्री ए स्क्वायर बाई फोर, तो फोर ए स्क्वायर बाई फोर तो ए आ जाएगा। तो अगर बी ए वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड है उसका ए खाली। अरे भाई बी से ए तक की दूरी सोचो, वो तो वैसे भी साइड ए थे। Yes, तो वेक्टर बी ए को ए से डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा फिर, आप सोचिए तो, वन अपॉन टू आई प्लस रूट थ्री अपॉन टू जी। अभी भी ये यूनिट वेक्टर ही तो है, इसका मॉड वन ही आएगा प्लस। इधर देखिए प्लीज, इसमें ये नीचे ए रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर है, ए रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर कितना होगा, थ्री ए स्क्वायर बाई फोर, तो फोर ऊपर आ जाएगा और फोर इंटू टू इंटू टू इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स कूलम अपॉन नीचे जितना थ्री ए स्क्वायर, ठीक है ना। एम ए कितना आएगा, एम ए कहाँ है भाई, क्या एम ए निकाला है हमने, देखिए तो। यस सर, ये देखिए ए एम निकाला है मैग्नीट्यूड में, ए रूट थ्री बाई टू, तो वेक्टर कितना हो रहा है, या फिर ए के कोऑर्डिनेट भी पता है आपको, एम के भी पता है, उसमें से सबट्रैक्ट करके निकाल लीजिए कितना आ जाएगा यूनिट वेक्टर, केवल जे हो रहा वाई एक्सिस के अलोंग हुआ। अरे भाई खाली जे ही तो आएगा इसमें। यस सर। अच्छा तीसरा माइनस सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेल्व अपॉन ए स्क्वायर। सी ए वेक्टर, सी ए निकाला है हमने, ये देखिए प्लीज इधर, सी से ए तक की दूरी भी तो ए ही है, साइड भी ट्राइंगल की, ए से डिवाइड कर दीजिए इसको, माइनस वन बाई टू इंटू आई प्लस रूट थ्री बाई टू इंटू जे, दिस इक्वल टू जीरो वेक्टर बस। क्लियर हुआ? यस सर। यस बस यार, आप तो कैलकुलेशन करनी है बस। तो बच्चों कुछ कॉमन आ पा रहा है तीनों से, टेन की पावर माइनस ट्वेल्व आ रहा होगा कॉमन, एक तो अपॉन ए स्क्वायर भी आ रहा है इंटू टू भी आ रहा है। चलिए इतना कॉमन लेते, कुछ तो कम होगा, टेन की पावर माइनस टू, लेकिन टेन की पावर माइनस टू तो नहीं, सिक्स ही आएगा माइनस, बीच वाले में तो माइनस ट्वेल्व नहीं है ना। यस, तो माइनस सिक्स चल लेते हैं, चलो ठीक है। तो माइनस थ्री इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स, और ये हो जाएगा आई बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू जे। अच्छा दूसरे में देख तो भाई, टू कॉमन ले रखा है तो फोर क्यू अपॉन थ्री जे माइनस, यहाँ थ्री इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स माइनस आई बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू जे इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये कैलकुलेशन है, इसमें सीखने जैसा कुछ नहीं है, परेशान मत होइए, मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस थ्री बाई टू इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स आई माइनस थ्री रूट थ्री बाई टू
इंटू 10 की पावर -6 जे पर 4 क्यूब बाय 3 जे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बाय 2 इंटू 10 की पावर -6 आई माइनस 3√3/2 इंटू 10 की पावर -6 जे इक्वल टू 0 वेक्टर। लास्ट में 0 वेक्टर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वेक्टर का सम भी 0 वेक्टर ही होता है ना, तो 0 भी 0 नहीं हुआ, 0 वेक्टर हुआ राइट साइड में भी। क्या कुछ कैंसिल होने के चांस है? देखिए तो इसे और इसे ड्रॉ करिए तो मैंने जिन पे टिक के निशान लगाए हैं क्या ये टर्म कैंसिल हो रही है? यस सर। तो जितना बचा और जो सेकंड है और जो फोर्थ है क्या ये ऐड हो जाएंगी? यस सर। दोनों जे वाली है। -3√3 इंटू 10 की पावर -6 जे प्लस 4 क्यूब बाय 3 जे इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ठीक हो गया 4 क्यूब बाय 3 माइनस 3√3 इंटू 10 की पावर -6 टाइम जे इक्वल टू 0। जे तो 0 हो नहीं सकता, जे तो 0 है नहीं, जे तो यूनिट वेक्टर है। तो फिर 4 क्यूब बाय 3 माइनस 3√3 इंटू 10 की पावर -6 0 होगा, तो क्यू आ जाएगा 9√3/4। माइक्रो कूलाम ही कर देते हैं इसको, कूलाम। तो 10 की पावर -6 ना लिखो, अगर कूलाम लिखना है तो 10 की पावर -6 लिखो। तो यार ट्राइंगल की साइड जो थी 20 सेंटीमीटर थी, उसकी जरूरत पड़ी रही? ए बाहर आ गया, वैसे ही ए स्क्वायर आ गया था ना, तो 20 सेंटीमीटर का कोई यूज नहीं हुआ डेटा। क्या मैं समझा पाया क्वेश्चन पूरा बच्चों? ये पहली चीज है जो शानदार चीज है और जो सीखनी हर हालत में है, क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही आ रहे हैं, फिर इलेक्ट्रिक के बाद फिर मैग्नेटिक फोर्स आएंगे और फाइनली दोनों आएंगे, इलेक्ट्रिक भी आएगा मैग्नेटिक भी आएगा और कहीं ग्रेविटेशन भी आ सकता है। कोई चीज वर्टिकली सस्पेंडेड हो रही तो mg भी लग जाएगा नीचे को। तो वेक्टर पे तो प्रैक्टिस करनी करनी है। प्लीज आप ध्यान दीजिए, आप लोग जो सीख रहे हैं अभी उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको परेशान नहीं कर रही है, आपको जो भी दिक्कत आ रही होगी वेक्टर की वजह से आ रही होगी। बस रिपीट करिए क्वेश्चन क्या था। देखिए 3 वर्टिसेज हैं, उन पर 3 चार्जेस हैं और बीसी के मिड पॉइंट पे ए चार्ज कितना होना चाहिए जी? नेट फोर्स ऑन ए 0, ताकि वो इक्विलिब्रियम में बना रहे। अच्छा तो भाई ए पर जो लगेगा तो आपको देखो ए बी दूरी भी चाहिए, ए एम दूरी भी चाहिए और ए सी दूरी भी चाहिए। दूरी नहीं चाहिए, वेक्टर भी चाहिए इनमें। तो आपने ए बी ए एम और ए सी जो है वो वेक्टर के साथ निकालने, वो जो निकालने आ गए तो बाकी कूलाम लॉ लगाना है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है और बाकी कैलकुलेशन। क्या ये अच्छी तरह क्लियर है बच्चों आप लोगों को? यस सर। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इसे ढंग से करें। अभी इतना ही करते हैं, अभी हम 6:10 पे जुड़ेंगे मैथमेटिक्स के लिए। थैंक यू।